1972 में पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें गलती से किसी भी इंसान को $10 मिलियन तक मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, $10 मिलियन यानी करीब 75 करोड़ रुपए। दरअसल 1978 में कनाडा के किसी बंजर इलाके में सोवियत कॉस्मोस 954 नाम का एक सैटेलाइट क्रैश हुआ, जिसके न्यूक्लियर रिफ्लेक्टर की वजह से काफी बड़े हिस्से में रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल चुका था, जो कि इंसान और वहां रहने वाले जीवों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और इसको साफ करने के लिए कनेडियन गवर्नमेंट को $11 मिलियन का खर्च आया था। और ऐसे में उसने 1972 में हुए लाइबिलिटी कन्वेंशन का उपयोग किया, जिसकी वजह से $11 मिलियन का सारा खर्चा सोवियत यूनियन को देना पड़ा, क्योंकि क्रैश होने वाला सैटेलाइट उनका ही था। ऐसे में अगर किसी भी देश का सैटेलाइट अगर आपके घर के ऊपर गिर जाता है तो उस देश की गवर्नमेंट आपको $10 मिलियन मुआवजे के रूप में देगी। और यही है लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972, जिसकी वजह से गलती से मिलेंगे $10 मिलियन।